तो दोस्तों आज हमारे वहाँ जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे मारुति सुजुकी इको आई हुई थी, जो कि हमारे वहाँ महाराष्ट्र से आई हुई है। 14LE9732 नंबर है। काफी सारी कार्स हमारे वहाँ आती है महाराष्ट्र से। आज एक फिर मौका था हमें आपको कुछ अलग यूनिक दिखाने का कि मारुति इको कार अगर आप लेते हो तो क्या कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के बाद जो कार है किस लेवल पे आप इंटीरियर एक्सटीरियर में और जो जो सेफ्टी वाइज क्रोम एक्सेसरीज किस तरीके से अपग्रेड होती है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने हैं। तो स्टे ट्यून टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज एंड इको कार के अंदर किस तरीके से हमने एक लग्जरियस फील दे दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार के। तो फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हम लोगों ने इसमें इको लिखे हुए बोनेट लेटर्स लगाए हुए हैं। फ्रंट की क्रोम ग्रिल गार्निशिंग की हुई है ताकि जो गाड़ी है वो फ्रंट की तरफ से पूरा क्रोम के साथ एनहांस हो जाए। फॉग लाइट क्रोम इंस्टॉल हुई है, हेडलाइट क्रोम गार्निशिंग हुई है, टेल लाइट गार्निशिंग भी हुई है, मिरर क्रोम, हैंडल क्रोम, इंडिकेटर्स क्रोम, जितनी भी क्रोम एक्सेसरीज थी वो हम लोगों ने इसमें कंप्लीट की हुई है। साथ ही साथ T3 गोल्ड गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है, जो महावीर ब्रांड का T3 गोल्ड आता है, जिसमें आपको डबल सेफ्टी मिलती है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी आती है। साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ भी पूरा हैवी सपोर्ट मिलता है और सेंटर में भी सपोर्ट मिलता है। ये महावीर की हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग ब्रांड है, काफी अच्छी मजबूती के साथ हम काफी टाइम से सेल कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, काफी टाइम से इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको अपनी लाइट्स को अपग्रेड करवाना है तो व्हाइट LED बल्ब में आप कन्वर्ट करवा सकते हो। फॉग लाइट के अंदर हमारे पास काफी सारी रेंज आ गई है, जैसे कि प्रोजेक्टर फॉग लाइट, हेलोजन LED बल्ब, सब कुछ आप लोगों को हमारे वहाँ जगदम्बा पे मिल जाएगा। आइए अब हम आपको साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से कार को दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मारुति सुजुकी इको कार के अंदर आप अपग्रेड करवा सकते हो। जैसे कि आप मिरर देख सकते हो, इंडिकेटर्स क्रोम देख सकते हो, हैंडल क्रोम, हैंडल बाउल्स किस तरीके से एनहांस हो रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग लोअर विंडो गार्निश करते हैं प्योर SS की। सन कंट्रोल फिल्म लगाई हुई हमने इसमें RTO वैलिड वाली, ताकि आपको कुछ भी पुलिस वगैरह का दिक्कत ना आए। एकदम लाइट कलर की है विथ 70% विजिबिलिटी लाइट के साथ और 50% हीट रिएक्शन भी मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें कर्टन्स लगाए हुए हैं जो चारों डोर्स के अंदर होते हैं और साथ ही साथ ये क्वार्टर पैनल के अंदर भी होते हैं। अगर आपको इस इको कार के अंदर स्लाइडिंग वाली विंडोज चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है गाइस। और आप लोगों को देख सकते हो किस तरीके से पूरा जो एक्सटीरियर है स्टार इको स्टार लिखा हुआ है ऑरेंज कलर का, उसी के साथ हम लोगों ने एक्सटीरियर में भी ऑरेंज कलर के पर्दे विथ व्हाइट कलर के एक्सटीरियर के साथ किस तरीके से मैच किया हुआ है आप लोग रियर प्रोफाइल देख सकते हो गाइस। रियर प्रोफाइल से जब आप कार को देखोगे तो यहाँ पे मारुति सुजुकी लिखे हुए एम्बल्स नहीं थे, स्टार लिखा हुआ नहीं था, इको लिखा हुआ नहीं था और ये गार्निश क्रोम भी नहीं था। इतना इंस्टॉल करने के बाद आपकी इको जो एकदम आप ब्लैंक लेकर आते हो वो किस तरीके से एनहांस हो जाती है। हम लोग इसमें कंफर्ट बैक पाइप भी लगा देते हैं जो प्योर SS की है विथ हैवी स्ट्रेंथ के साथ है। आप इसमें इजीली क्लीन करने में भी हेल्प करेगी और आपको उतरने चढ़ने में भी आपको हेल्प करेगी। टेल लाइट गार्निश भी आप लोग देख सकते हो। तो रियर प्रोफाइल से कर्टन्स, साइड प्रोफाइल से आप लोगों ने कर्टन्स देखे, फ्रंट प्रोफाइल आपने देख लिया। इस कार का मेन मोटिवेशन जो महाराष्ट्र से यहाँ आने का पर्पस था उनका, वो था इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार। इंटीरियर में हमने इसमें गजब का मॉडिफिकेशन किया है, आप लोगों के प्यार से हमने काफी सारे एडिशन बनाए हैं। इस इको को आप लोग कमेंट करके नाम देना कि किस तरीके से एक लग्जरी एडिशन हम लोगों ने ऑरेंज कलर और विथ व्हाइट ड्यूअल टोन के साथ कॉन्सेप्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मारुति सुजुकी इको वन एंड ओनली लग्जरियस इंटीरियर गाइस। आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो पूरी सीलिंग है किस तरीके से ड्यूअल टोन कॉन्सेप्ट के साथ एनहांस हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको पीछे की तरफ से क्यों दिखाया, क्योंकि मैं आपको एक फिटिंग एंड फिनिशिंग दिखाना चाहता था कि एक मारुति सुजुकी को भी आप कार हमारे वहाँ लेकर आते हो तो क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे हैंडल्स का वर्क हो जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से एक एटमोस्फियर लाइट लगाई हुई है जो सेट ऑफ 4 पीस में हम लोगों ने चारों हैंडल्स के अंदर लगाई हुई है। गाइस हम लोगों ने जो सीलिंग का वर्क किया हुआ है वो ड्यूअल कॉन्सेप्ट के साथ है, दोनों तरफ हम लोगों ने ऑरेंज कलर यूज किया हुआ है, सेंटर के अंदर व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है और नायलॉन स्टिच वर्क के साथ ये जो H2H फिनिशिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा वर्क करने के लिए हमें अच्छा टीम वर्क चाहिए, वो हम लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, काफी अच्छा बजट मिला है, तो हम लोगों ने जो पूरा इंटीरियर है वो एनहांस किया है। जो ये गाड़ी आई हुई थी ये 5 सीटर थी, हम लोगों ने अब इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ 8 सीटर के अंदर।
इस ये जो सीएनजी का बोतल था वो सेंटर के अंदर था, इसको हमने लास्ट रो में ट्रांसफर किया है। साथ ही साथ इसके जो पाइप्स आते हैं वो उसको एक्सटर्नली बढ़ा दिए है ताकि इसका जो पाइप है वो लॉन्ग हो सके और कंप्लीट यहाँ पे कोई भी वारंटी अवॉइड किया बिना लॉक कर दिया हुआ है। हमारे लास्ट डिक्की का जो डोर है उसके अंदर भी हम लोगों ने किस तरीके से डोर ट्रिम को लैमिनेट किया हुआ है विथ ए पीपीएफ, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से लेदर रैप हो चुका है और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है। रियर की हमारी फिटिंग देख सकते हो। मारुति इको कार जब आप लेते हो तो आप लोगों को मैन्युअली लॉक अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन आप जगदम्बा कार एक्सेसरी से काम करोगे तो आप लोगों के पास आरडी ब्रांड का फ्लिप की के साथ दो रिमोट हम लोग देते हैं, एक फ्लिप की वाला और एक नॉर्मल रिमोट। तो 3 इयर्स वारंटी के साथ आप कहीं भी रहते हो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इंडिया के काफी सारे कोने में हम लोग आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लॉक करोगे तो कार जो है वो लॉक हो जाएगी, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो कार विल बी अनलॉक। सो गाइज आप लोगों को ये सिक्योरिटी सिस्टम जरूर करवानी चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कार महाराष्ट्र से हमारे वहां आने का इसका पर्पस क्या था। आइए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार जो मारुति इको में बेस्ट मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया हुआ है। ये कार हमारे वहां महाराष्ट्र से क्यों आई दोस्तों, इसका जो मेन पर्पस था वो इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार, इसी के लिए तो जाने जाते हैं हमारी जगदम्बा कार एक्सेल एंड हमारी पूरी टीम। सो गाइज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वन एंड ओनली मारुति सुजुकी इको विथ अल्टीमेट इंटीरियर आप लोगों के सामने है। गाइज 5 सीटर कार ये आई थी, यहाँ पे सीट जो थी वो नॉर्मल थी, उसको हम लोगों ने लास्ट रो में डाल दिया हुआ है। सेंटर के अंदर हम लोगों ने अर्टिगा जैसी 60-40 सीट लगाई हुई है जिसमें आप लोगों को इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ताकि आप यहाँ से ही पैसेंजर को जो है वो पीछे की तरफ बिठा सकते हो। साथ ही साथ आप लोग उस साइड की भी सीट को अच्छे से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो और इसमें काफी अच्छा एडजस्ट भी दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो गाइज ये कुछ था मारुति सुजुकी इको 5 सीटर को कन्वर्ट करवाना है आपको 8 सीटर में, तो ये सीट आपको जरूर इंस्टॉल करवानी चाहिए। सेंटर की सीट को आपको लास्ट रो में लेना होगा, सेंटर में आप लोगों को ऐसी 60-40 सीट लगानी होगी तभी जाके आपकी कार जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 8 सीटर में विथ हेडरेस्ट के साथ है। अब आप बताइए कि ये जो इसका इंटीरियर है ऑरेंज विथ व्हाइट कलर का ड्यूअल टोन के साथ फुल बकेट फिटिंग में हम लोगों ने इसके सीट कवर्स लगाए हुए, चाहे हमारी लास्ट थर्ड रो की फिटमेंट देख लो आप किस तरीके से मैच हो रही है। और गाइज इसके जितने भी डोर स्ट्रीम थे जैसे कि लास्ट वाले स्पीकर का ट्रिम हो गया, उसमें 2 ओवल स्पीकर लगाए हुए हमने, सेंटर के डोर्स के ट्रिम देख सकते हो आप लोग, उसको भी हम लोगों ने व्हाइट विथ ऑरेंज में ड्यूअल टोन रैप कर दिया हुआ है विथ लैमिनेशन के साथ। इसके अंदर हम लोगों ने और ज्यादा एनहांस करने के लिए एक्टिव एम्बियंट लाइट लगाई है। जब भी आप एम्बियंट लाइट लगवाते हो तो काफी सारी आफ्टर मार्केट एम्बियंट लाइट है, लेकिन वन एंड ओनली कार्डी ब्रांड की एक्टिव एम्बियंट लाइट आप लोगों को ऑथोराइज डीलर के पास ही मिलती है जो आपको जगदम्बा कार एक्सेसरीज फिट करके देता है। काफी सारी कार्स में हम करते हैं लेकिन एक मारुति सुजुकी इको कार में जब आप करवाते हो ये एक्टिव एम्बियंट लाइट तो इसकी बात ही कुछ अलग होती है। फ्रंट प्रोफाइल में आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो सीट कवर है किस तरीके से दोस्तों एनहांस हो रहा है, साथ ही साथ आपको इसमें अल्ट्रा कुशनिंग भी मिल जाता है। हम लोग काफी अच्छा फॉर्म लेमिनेशन करके देते हैं, काफी सारे कलर्स की चॉइस देते हैं आप लोगों को। फ्रंट के डोर ट्रिम की हमारी फिटमेंट आप लोग देख सकते हो, हमारा आर्मरेस्ट देख सकते हो कि किस तरीके से स्टोरेज तो है ही लेकिन इंटीरियर के साथ कंप्लीट मैच करते हैं। फ्लोरिंग को पूरा लेमिनेशन कर देते हैं ताकि एक्सेलेटर से लेके पीछे डिक्की तक कहीं पे भी गाड़ी में डस्टिंग वगैरह ना हो। वेलकम्स कंप्लीट। आज तक आपने देखा है दोस्तों मारुति सुजुकी इको कार के अंदर जब आप वेलकम करोगे तो ऐसा इको लिखा हुआ एनहांस होगा, क्या कुछ इसकी गाड़ी की पूरी जो लुक है वो चेंज हो जाती है। हमारी एम्बियंट लाइट की फिनिशिंग देख सकते हो, डैशबोर्ड में जो एजिस हम लोगों ने कवर्ड किए हुए हैं वो आप देख सकते हो, रूफ लाइट हम लोगों ने पूरी व्हाइट एलईडी में कन्वर्ट कर दी हुई है। मेन इस कार का चेरी ऑन द केक है वो है हमारा जो सेंटर का कंसोल जो टी जॉइंट हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग आपको 2 ब्लोअर भी इंस्टॉल करके देते हैं विथ स्विच के साथ। ये आपको आवाज आ रही होगी, इतनी हवा इसके अंदर परफेक्ट आती है कि आप लोग आगे की तरफ जो भी एसी ऑन करोगे तो इसका कूलिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे राइट साइड पे भी हम लोगों ने जेट एयर लगाया और लेफ्ट साइड में लगाया है, साथ ही साथ हमने हैंडल्स की चारों लाइट का यहाँ पे स्विचिंग प्लेस किया हुआ है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इसमें एक एंड्रॉइड स्टीरियो भी लगवा सकते हो। वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे
एसएस के ग्रिल लगाए हुए हैं, किस तरीके से हमारा लेदर रैपिंग का फिनिशिंग है, जो सीलिंग की फिटमेंट है, और बैठने के बाद जो लग्जरियस फील आ रहा है, आप लोगों को दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखना, और ऐसे ही कार्स आप लोग हमारे वहाँ भेजते रहना। आइए मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम हमने कैसा इंस्टॉल किया हुआ है। और दोस्तों मारुति सुजुकी इको कार में भी हमारे पास सोनी लेक्स ब्रांड का फुल्ली कैपेसिटिव टच वाला एंड्रॉइड स्टीरियो है, आप लोगों के लिए काफी अच्छी ऑफर के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसकी वीडियो क्लैरिटी तो देख लो गाइस कि किस तरीके से आप लोगों को फुल्ली कैपेसिटिव टच तो मिलता ही है, लेकिन एक रेजोल्यूशन जब आप मारुति सुजुकी इको गाड़ी में ड्राइव करोगे तो आप लोगों को इसके अंदर वीडियो क्लैरिटी तो मिलेगी, साथ ही साथ पिक्चर एंड पिक्चर, YouTube, Google, नेविगेशन जैसे काफी सारे फंक्शन भी मिल जाएंगे, और काफी अच्छी थीम्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप ये भी इंस्टॉल करवा सकते हो। रिवर्स पार्किंग कैमरा हम लोगों ने किस तरीके से 3 एंगल वाइड रेंज के साथ किया हुआ है, अल्ट्रा HD रिविजन के साथ है, आप लोगों के सामने है। अगर आपको मारुति सुजुकी इको में और कुछ अपग्रेड करवाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक हम लोगों ने इम्पोर्टेड मिरर इंस्टॉल किया हुआ है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। सो गाइज हम लोगों ने आपको दिखा दिया कि मारुति सुजुकी इको किस तरीके से एनहांस होती है। अब इस कार के ओनर जो हमारे वहाँ महाराष्ट्र से इतना दूर ड्राइव करके आए हुए हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको। आइए पूछते हैं उनसे कि उनको ये वर्क कैसा लगा है, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थे वो हम लोगों ने कम्प्लीट की हुई है कि नहीं, जो हमारी टीम का रिस्पॉन्स कैसा था, हमारा बजट, रेट्स और क्वालिटी कैसी लगी है। आइए मैं आप लोगों को उनसे रिव्यू करवाता हूँ। सो दोस्तों आप लोगों के सामने है जो मारुति सुजुकी इको इतना दूर ड्राइव करके आए हैं, सरोज डांगर सर, आप लोग पूना मंचर से इतना दूर ड्राइव करके आए, थैंक यू सो मच। और बाला साहेब बांगर जी, थैंक यू सर, और आप उनके दोस्त, किस तरीके से आप लोगों को ये पूरा वर्क लगा है सर। ये जो मारुति इको आप लेकर आए थे तब कैसी नॉर्मल कार थी, और आपने सोचा था कि काफी सारी उम्मीदों के साथ आप आए थे कि पूरा इंटीरियर मेरा कैसा होगा, किस तरीके से आप लोगों को ये जो वर्क है वो लगा है, वो हमारे जो ऑडियंस आपके देख रहे हैं उनको बताना है आपको। वो हमने तुमका जो वीडियो है इंस्टाग्राम में वो हमने देखा था, अनि यो जे है बाला साहेब बांगर उसने बताया था का हम गुजरात जाके उधर जगदम्बा जो वर्क है मॉडिफिकेशन करवाते हैं, हाँ मॉडिफिकेशन उधर जाके करेंगे, वो अच्छा करता है, उसका काम भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है उसका। तो जब आप गाड़ी लेके आए थे हमने पूरा लिस्ट बनाया, तो आपने अपने विश्वास कैसे किया कि ये सब हो पाएगा कि नहीं इको पे, क्योंकि आपके दोस्त ने बताया था, लेकिन जब अब फाइनली इसका जो लुक आ गया है अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो आपको कॉन्फिडेंस है ना कि ये गाड़ी हम बना सकते इको परफेक्ट ना, परफेक्ट। तो आपके दोस्तों को भी आपको भेजना है, ठीक है। और बाला साहब तो हमारे काफी पुराने दोस्त है, और सोचा है कि गाड़ी एक और लिए तो लेके आने वाले हैं। वो तो ये सही, पहला मैं 4 गाड़ी बना के लिया, इसे वो पांचवा गाड़ी है, 5 वाला गाड़ी और 6 वाला गाड़ी नंबर में अगले साल में अगले 8 हफ्ते में मैं आने वाला है। वो तो उम्मीद है मेरे को कि आप अपने वहाँ लेके आ, एक नंबर गाड़ी बनाता है राकेश भाई हमारा, एक नंबर का अच्छा आदमी, इसलिए हम जगदम्बा गैरेज के इधर ही आते हैं गाड़ी बनाने। और एक्चुअली क्या है, पुरानी गाड़ी एक और इनकी बनाई थी, तब क्या था कि मैं कहीं बाहर गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इनकी गाड़ी में भी काफी अच्छा नियॉन इंटीरियर हमने बनाया था, तब हम लोग बाहर गए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन इनकी गाड़ी देख के मैंने कितनी सारी गाड़ी इनकी बनाई है, पूरा जो महाराष्ट्र है वो तो जानता ही है। और बाकी अंकल आप बताओ कि कैसा लगा पूरा वर्क, परफेक्ट है ना? परफेक्ट, एक नंबर का काम है तुम्हारा, बस तो आपको भेजते रहने का बराबर। बाकी आपके जो भी मराठी भाई देख रहे हमारा ये वीडियो, उनको एक मैसेज देना चाहोगे आपके जगदम्बा पे आने के लिए कैसा रहेगा? परफेक्ट नंबर, जगदम्बा के पास इधर आने हो एक नंबर काम हो जाता है, वो अच्छा है। तो मराठी भाषा में जरा आप बता दो शब्द। नंबर तो काम है था वडोदा मध्येच लेफ्ट साइडला एक जगदम्बा म्हणून गॅरेज आहे मोठं, एक नंबरचं काम आहे इथं। आम्ही ही 5वी 6वी गाडी बनवली, इथून पुढे 9वी गाडी घेतल्यानंतर आम्ही इथंच येणार राकेश भाईच्या इथं काम करायला। थँक्यू। जय महाराष्ट्र। और जितने भी गाईज हमारे देख रहे हैं थँक यू सो मच गाईज, ऐसे ही प्यार बनाते रहना, कहीं से भी आप कार लेकर आओ कंप्लीट मॉडिफिकेशन होगा, और हमारी टीम आप लोगों के सामने है। थँक यू सो मच।